बकरीद को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बार सख्त निर्देश दिए हैं। यूपी सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि बकरीद की नमाज सड़क पर किसी कीमत पर नहीं होगी। योगी सरकार के इस फैसले से अलीगढ़ के मौलाना भड़क गए। और जमीयत उलेमा हिंद के महानगर अध्यक्ष मुफ्ती अकबर कासिमी ने सरकार के इस फैसले को भेदभावपूर्ण बता दिया। उन्होंने कहा कि जब कांवड़ यात्रा निकलती है तब सरकार को परेशानी नहीं होती, लेकिन मुसलमानों की 10 मिनट की नमाज सरकार को देखी नहीं जा रही। नमाज के जरिए से भी अमन का ही पैगाम दिया जाता है, कोई ऐसा पैगाम नहीं होता है। इसलिए ये जो दिमाग में जो ये जो खुराफात बसा हुआ है उसको निकालिए, ये हिंदुस्तान सबका है। क्योंकि योगी सरकार का साफ तौर पर निर्देश है कि कहीं भी खुले में बकरे की कुर्बानी नहीं होगी, और इसीलिए सरकार के इस फैसले का मौलाना अब खुलकर विरोध कर रहे हैं। शुरू से ही कुर्बानी ऐसी जगह पे ही कर रहे हैं जिसपे कोई एतराज ना हो, खा वो जैसे कोई मतलब ऐसी जगह है जहां पर लोगों का आना जाना कम होता है और गंदगी नहीं फैलाई जाती है। हम लोग शुरू से करते ही आ रहे हैं, जो तक नुकता छोड़ दिया गया कि मुसलमानों किसी तरह से छेड़ा जाए तो हम आपके जज्बात को या आपके शोशे को हम जानते हैं, इसलिए हम आपको वो मौका देंगे नहीं इंशाल्लाह। देश भर में 17 जून को बकरीद मनाई जानी है, इसलिए योगी सरकार ने जिला प्रशासन को सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं यूपी को नेपाल से जोड़ने वाली सीमा पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। बकरीद के दिन सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से नजर रखी जाएगी।